बाद रिपोर्ट में ये कहा गया है डॉक्टर्स की जानिब से कि लड़की वालिदैन के साथ जाने और उनके साथ रहने पर रजामंदी जो है वो जाहिर कर चुकी हैं। और दूसरी जो रिकमेंडेशंस जो दी गई हैं तीसरे पेज पे, जो कहा गया है कि उनका मुकम्मल तौर पर नफसियाती मुआयना जो है वो भी होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर्स ने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि लड़की जो है वो बेचैनी का शिकार है और मल्टीपल विजिट्स जो है वो किए गए हैं शेल्टर होम के, और उसमें ये बात अब बाकायदा तौर पर रिपोर्ट का जो है वो हिस्सा है कि लड़की जो है वो वालिदैन के साथ जाने और रहने के लिए रजामंद हो चुकी है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर ये तमाम एक्सरसाइज जो है वो हुई थी। आज हमने देखा कि जो मुलजिम ज़हीर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी यहाँ मुलाकात के हवाले से, उस पर अदालत ने 3 जनवरी 2023 की तारीख दी है और उसमें उनके वकला या उनकी तरफ से कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया गया। मुझे लगता है कि ये शायद ये बात उनके भी इल्म में आ चुकी होगी कि अब ये मामला उनके हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और अब ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पर जहाँ पर ट्रायल हो रहा है ADJ 7 East की अदालत में भी आज हमारे ज़राए के मुताबिक जो है वो जमा हो चुकी होगी। सिंध हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट जो है वो जमा हो चुकी है, इसमें रजिस्ट्रार को एड्रेस किया गया है और 3 सफात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है जो सबसे जब तक ये केस चलता हुआ आ रहा है। हमने देखा कि बहुत सी अहम पेशरफ्त हुई, लेकिन ये जो आज पेशरफ्त हुई है ये हमें आज से पहले कभी नहीं नज़र आई। और जो डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है उसमें ये बड़ा इंकशाफ हुआ है कि लड़की जो है वो वालिदैन के साथ जाने और उनके साथ रहने पे जो है वो रजामंद हो चुकी है। अब देखते हैं कि मुद्दे मुकदमा की जानिब से कब अदालत से जो है वो ये दरख्वास्त की जाती है कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पे कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बच्ची वालिदैन के साथ जाने और रहने के लिए तैयार है, तो अब देखते हैं कि मजीद इस केस में क्या पेशरफ्त होती है। अमीन ने जो बात की कि मुलजमान के वकला या मुलजमान साइड को इस बात का इदराक हो चुका है कि उनके हाथ से कहानी निकल चुकी है, कहानी मुक गई है, किस्सा ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब सिर्फ दीवार में सर मारने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि बच्ची ने यह कह दिया कि वो अपने वालिदैन के साथ ना सिर्फ उनके पास जाने बल्कि उनके साथ रहने के लिए भी ख्वाहिश का इजहार करती है, रजामंद है। तो उसके बाद फिर जो मुलजमान है उनको तो शायद यकीन है क्योंकि उन्होंने कोशिश नहीं की कि उनको जल्दी तारीख मिले और जल्दी तारीख दी जाए इस केस में, ताकि वो मुलाकात के लिए जिस तरह एक बड़े अखराजात करके कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको मुलाकात की इजाज़त मिले, लेकिन वो मिल नहीं पा रही, इसलिए उन्होंने ख्वाहिश का या जल्दी भी नहीं की कि ये केस 2 दिन में 4 दिन में 6 दिन में तैयारी करने के बाद जो है उनको या 2 हफ्ते के बाद की डेट दी जाए। अब अगले साल केस लगेगा इनका, तो अब देखें उस वक्त क्या होगा। लेकिन मामला ये है कि जो मुलजमान है अब उनके पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है, कहानी ख़त्म।